आपका एक सीक्रेट मेरे पास में, एक तस्वीर, वो मैं जरा लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कहाँ से कहाँ आप पहुँच गए? जब आप पहले अमेरिका गए थे तो कैसे आप व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं, ये तस्वीर मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूँ। आप खड़े हैं, कभी आपने सोचा था कि उस व्हाइट हाउस में आपके लिए डिनर किया जाएगा, उस व्हाइट हाउस में आपको परिवार का मेंबर मान लिया जाएगा? ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन मेरा पता नहीं बचपन से आत्मविश्वास इतना है। और एक कारण है, वैसे ये सबके सामने बोलना अच्छा है नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बोल देता हूं, बचपन से अखबार देखते थे, टीवी का जमाना आया तो टीवी में देखते थे, दुनिया के लीडर आते थे, छोटे से देश का भी लीडर हो, बड़े से देश का लीडर हो, एक तो हाइट बॉडी में वो बड़े होते हैं, हम लोग ज्यादा शरीर में भी थोड़े कम होते हैं, और मैं देखता हूं हमारे नेताओं को ऐसे करके वो ले जाते हैं। ये चीज मुझे बड़ी अखरती थी, मेरे देश के प्रधानमंत्री किसी भी दल की क्यों ना हो, ये बाहर वाले ऐसा करके ले जाते हैं। मेरे मन में रहता था मेरा देश स्वाभिमान से खड़ा होगा, ये मेरे मन में भाव भरा पड़ा था, ये क्यों था मैं नहीं जानता। और इसलिए मुझे 2014 में पूछा तो मैंने कहा था, न मैं आंख झुका के बात करूंगा, न मैं आंख उठा के बात करूंगा, मैं आंख मिला के बात करूंगा। अब ये जो आपने तस्वीर दिखाई, ये सारी चीजें 90s के बाद की है। स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो का जो लेक्चर था, उसकी जो शताब्दी हुई, उस शताब्दी के निमित्त मैं अमेरिका शिकागो में एक कार्यक्रम के लिए गया था। कोइंसिडेंट ऐसा था, उसी समय अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा एक यंग लीडर कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे इनवाइट किया गया था, वो करीब 4 हफ्ते का कार्यक्रम था। तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट के कार्यक्रम के तहत हम लोग वहां अलग अलग जगह पे जाते हैं, उसमें से एक तस्वीर है। लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि मुझे भी कभी व्हाइट हाउस में आकर के अपनी माथापच्ची करनी पड़ेगी, यह हमें मालूम नहीं था। ये बात सही है, चाहे ओबामा परिवार हो, चाहे ट्रंप परिवार हो, चाहे क्लिंटन परिवार हो, या बुश का भी, जिन लोगों से मेरा संबंध आया है, अपनापन सबके साथ है मेरा। ट्रंप के बारे में तो लोग कहते हैं बहुत टेढ़े इंसान हैं, और लेकिन उनसे आपने ऐसी आत्मीयता कर ली, वो कहते हैं इवांका मोदी जी के फैन है। पहले तो दुनिया के नेताओं के संबंध में हम किसी तीसरे के द्वारा जो जानते हैं वो सही नहीं है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही जो सुनता हूं उससे अलग है, बिल्कुल अलग है जी। और ये बात सही है, मैं आपको बताता हूं, मैं जब पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप से मिला तो व्हाइट हाउस में शायद हम लोग 9 घंटे थे, शायद रेयर ऐसा होता होगा, वरना 1 घंटा जाते हैं मीटिंग करते हैं। अच्छा, वो मुझे ले गए अपना पूरा व्हाइट हाउस दिखाने के लिए, व्हाइट हाउस पहले भी जाता था और अन्य राष्ट्रपति के समय भी गया। उन्होंने मुझे अब्राहम लिंकन जिस कमरे में रहते थे वहां स्पेशली ले गए, और मेरे मन पे एक बात की बड़ा प्रभाव रहा, न उनके हाथ में कोई कागज था, कुछ नहीं था, उन्होंने उस कमरे में जो टेबल था, कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, कौन सा साइन हुआ था, किसके साथ, सारा हिस्ट्री डेट वाइज वो ऐसे ही बोल रहे थे बिना कागज। आई वॉज इम्प्रेस, और वो भी मुझे प्यार से, इवन अपना खुद का कमरा भी वो मुझे देखने के लिए ले गए। काफी देर हम साथ रहे, पूरा परिवार उन्होंने बुला के रखा था, और स्वाभाविक है बाद में इवांका का भारत आना हुआ, उनके दामाद भी अभी थोड़े दिन पहले आए थे, तो एक प्रकार से पारिवारिक रिश्ता बन जाता है। लेकिन इसमें क्रेडिट मोदी को कम जाती है, इसके मूल में 125 करोड़ हिंदुस्तानी है,
पहले क्या होता था, हमारे ऐसी सरकारें चली उस परिवार को ही प्रोजेक्ट करते रहे, दुनिया में परिवार को ही, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे पिता, मेरी माँ वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, 5000 साल पुराना मेरा देश, मेरा योग, मेरा आयुर्वेद, मेरी संस्कृति, मेरे आर्किटेक्चर, मैं बस उसी की बातें करता हूं। तो मैं वहां हिंदुस्तान को लेकर के जाता हूं।